आज मैं प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा एक खुलासा करने जा रहा हूँ। अगर ये न्यूज किसी चैनल में दिखाई गई हो तो आप मुझे बताएं। अगर ये न्यूज किसी पेपर में छपी हो तो आप मुझे बताएं। और अगर किसी कांग्रेसी नेता में दम हो तो इसे झूठा साबित करें। आज मोदी जी ने चुपके से अपनी सेविंग मनी के 21 लाख रुपए सैनिटेशन वर्कर्स को डोनेट कर दिए। हाल ही में मोदी जी जब कुंभ मेले में गए थे तो वहां पर उन्होंने सफाई कर्मियों के पांव धोकर एक मिसाल पेश की थी। लोग उनकी सदा के कायल हो गए थे। उन्हीं स्वच्छता सफाई कर्मियों के लिए मोदी जी ने अपनी सेविंग डोनेट की। मोदी जी की अदा निराली है। वो जनहित का काम करते हैं तो भी कांग्रेसियों की तरह ढोल नहीं पीटते। वैसे मोदी जी ने जो 21 लाख दान दिए हैं ये तो पूरी दुनिया और देश जानती है, लेकिन इससे पहले वो 1 करोड़ 30 लाख रुपए गंगा सफाई के लिए दान कर चुके हैं, और वो भी कोई ढिंढोरा पीटे बिना। अब आप सोचेंगे कि मोदी जी के पास इतने पैसे आए कहां से, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में मोदी जी दक्षिण कोरिया गए थे, जहां उन्हें सियोल पीस प्राइज के दौरान 1 करोड़ 30 लाख रुपए मिले थे। वैसे अभी ज्यादा दिन नहीं हुए मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में जो भी स्मृति चिन्ह मिले उसे उन्होंने नीलाम किया, और इससे मिलने वाले 3 करोड़ 40 लाख रुपयों को नमामि गंगे के लिए दान दे दिया। वैसे एक जानकारी और दे दूं, मोदी जी को 2015 तक जो भी उपहार मिले उन्होंने उसकी नीलामी करवाई, और सूरत में हुई इस नीलामी से 8 करोड़ 33 लाख रुपए मिले, उसे भी उन्होंने नमामि गंगे मिशन में लगा दिया। मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी ने ऐसे कई बड़े काम किए। जैसे ही वो मुख्यमंत्री पद छोड़ने लगे तो उन्होंने अपनी बचत के 21 लाख रुपए सरकारी कर्मचारियों की बेटियों के लिए दान कर दिए। और तो और, इससे पहले मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने करीब 90 करोड़ रुपए कन्या केलवनी ट्रस्ट में दान किए थे ताकि बेटियों को शिक्षा मिल सके। अब जरा आप सोचिए, आपको कैसा नेता चाहिए जो भ्रष्टाचार के जरिए आपके एक एक पैसे को खा जाए, या फिर ऐसा नेता जो अपनी सेविंग का एक एक पैसा गरीबों को दान में दे दे। सोचिएगा जरूर।